हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स की। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का केमिस्ट्री के अंदर, जो हमारी यूनिट चल रही है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। व्हाट आर एंजाइम्स? ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टडी करना है कि जो एंजाइम्स है वो क्या होते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या कहता है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। और बायो कैटालिस्ट, ठीक है, क्या कह रहा है कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बायो कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई एंजाइम लेके चलते हैं तो जो एंजाइम है उसका काम क्या होता है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है उन रिएक्शन को ये टेक्स प्लेस करवाते हैं। ठीक है ना, मतलब मान लो कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, अगर आप उसको एंजाइम की एब्सेंस में करवाते हैं तो वहां पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? बहुत ज्यादा कम आएगा। ठीक है ना, तो एंजाइम अगर हम वहां पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर, तो ये जो एंजाइम्स है ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे और आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या कहता है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और बायो कैटालिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइड ए न्यू पाथ फॉर द बायोलॉजिकल रिएक्शन। विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें देखो क्या कहता है कि जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, जो आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर एंजाइम क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। और जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो जो हमारी रिएक्शन है उसके लिए हमें क्या मिलेगा, एक नया पाथ मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्शन का जो रेट है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो एंजाइम है वो क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है कि ए लार्ज नंबर ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम, बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो आपका बॉडी होता है, बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके की बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। ठीक है, इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटालाइज किया जाता है किसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू। किसके थ्रू एंजाइम कैटालाइज किया जाएगा, एंजाइम के थ्रू। ठीक है, और जो भी आपके बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम यूज होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं है कि एक ही एंजाइम है उसी को आप बार बार अलग अलग रिएक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम चलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में ये क्या कहता है कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसमें, तो ये क्या कहता है कि एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज रिक्वायर्ड 6.12 किलो जूल इनवर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि अगर आप सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो वहां पे आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, 6.12 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। समझ में आ गया? ठीक है, यानी
यानी ये क्या कहता है कि मान लो हमने सुक्रोज लिया, ठीक है, सुक्रोज का हमने क्या करवाया, एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी लगेगी, 6.22 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। ये जो आपकी एनर्जी आएगी इसमें आएगी किलो जूल मोल इनवर्स के अंदर आएगी, समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि ये जो सुक्रोज है ये हाइड्रोलिसिस करवा के क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज, क्लियर है सभी को, ठीक है। लेकिन ये क्या कहता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड, ये क्या कह रहा है कि जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर करेगा, 2.15 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है ना। तो इतनी एनर्जी क्या करेगा, रिक्वायर करेगा, कब, जब आप एंजाइम का यूज करते हो, मतलब सेम सुक्रोज लिया हमने, सुक्रोज का हमने हाइड्रोलिसिस करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और यहाँ पे जो एंजाइम ही लगता है वो सुक्रेज एंजाइम होता है, कौन सा, सुक्रेज। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो कितनी लगेगी, 1.25 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें रिएक्शन के लिए एक नया पाथ मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मान लो आपकी ये कोई भी रिएक्शन की स्पीड, और आपका अगर आप इसको कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपका रिएक्टेंट यहाँ पे है और उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना है, तो उसको इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, ये हमारा क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए उसको एक एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है इसको बोला जाता है थर्स होल्ड एनर्जी, क्या बोलेंगे, थर्स होल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो ये जो आपकी एनर्जी आएगी ना, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को थर्स होल्ड एनर्जी के इक्वल लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोला जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जब आप ये रिएक्टेंट है इसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तब ये किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। लेकिन अगर आप इस रिएक्टेंट के अंदर कैटालिस्ट डालते हैं, यानी ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो यहां से आपकी जो रिएक्शन है उसको एक नया पाथ मिल जाएगा। अब जो हमारी रिएक्शन है वो यहां से लेके यहां तक जाएगी, ठीक है। अब एक आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें और यहाँ पे पहुंचेंगे, एक आप इधर से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पहुंचते हैं, ज्यादा जल्दी इसमें पहुंचेंगे तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा, और टाइम अगर कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कब, जब कैटालिस्ट था, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये जो कैटालिस्ट है ये क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और वहां से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, समझ में आ गया सभी को, ठीक है ना। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है सभी रिएक्शंस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और अगर आप एंजाइम यूज नहीं करते हो तो जो रिएक्शन हो रही है उसको कंप्लीट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें कि हम जो भी मील लेते हैं, मील यानी जो भी खाना खाते हैं हम, ठीक है, उसको डिकम्पोज होने के लिए अगर हम एंजाइम का यूज ना करें तो उस टाइम पे बिना विदाउट एंजाइम इस मील को डिकम्पोज होने के लिए आपको 50 इयर्स तक लग सकते हैं। कितना लगेगा, 50 इयर्स तक लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है तो कुछ ही टाइम के अंदर आपका मील क्या हो जाएगा,
डीकम्पोज हो जाएगा, कुछ ही हावर्स के अंदर मिल क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ एंजाइम ऑन बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या कहता है कि जितने भी आपके बायोलॉजिकल रिएक्शंस होंगी सभी के अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है, और अलग अलग बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर अलग अलग एंजाइम यूज किए जाते हैं। इसीलिए कहता है कि जो बायो आपके एंजाइम्स होते हैं एक तरीके क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। क्या होंगे? बायो कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी वो एटम या एलिमेंट्स या कंपाउंड, या ये बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो क्या करवाते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को टेक्स प्लेस करवाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंजाइम। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है ये? इसको नोट कर ले, इसके बाद हम पढ़ेंगे नोमन क्लेचर ऑफ एंजाइम एंड कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। अभी बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास में नोमन क्लेचर ऑफ एंजाइम। नोमन क्लेचर ऑफ एंजाइम, नोमन क्लेचर ऑफ एंजाइम्स के अंदर क्या कहता है कि किसी भी एंजाइम को नाम लिखने के लिए जो कॉमन जो मेथड होता है वो हमारे पास होता है कि जिसका भी आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो या जिस भी रिएक्शन के अंदर जो भी आपका रिएक्टेंट है जिसको भी आप यूज कर रहे हो रिएक्टेंट के अंदर, उसके नेम के पीछे हम क्या लगा देंगे, एस, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इन कॉमन सिस्टम, एंजाइम्स आर नेम्ड बाई एडिंग द प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स एज आफ्टर द, या आफ्टर द नेम ऑफ कंपाउंड ऑन विच दे आर यूज, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो कॉमन सिस्टम के अंदर एंजाइम को नेम करने का मेथड है वो क्या है कि आप सफिक्स यूज कर देंगे एज की, जो भी आपके कंपाउंड है जिस भी कंपाउंड पे आप एंजाइम का यूज कर रहे हैं उस कंपाउंड के पीछे क्या लगा देंगे, एज लगा देंगे, तो आपके एंजाइम का नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर इसके अंदर हम बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर ये क्या कहता है कि ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इन ग्लूकोज एंजाइम यूज्ड इज माल्टेज, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब भी हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ग्लूकोज के अंदर, मतलब माल्टोज है उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। तो ये कहता है जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवा के ग्लूकोज बनाते हो तो उसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, माल्टेज एंजाइम। क्या बोलेंगे? माल्टेज, यानी जो आपका माल्टोज था उसके पीछे हमने क्या लगा दिया, ए एस ई लगा दिया। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो माल्टेज है हमारे पास में, सॉरी माल्टोज है, माल्टोज का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या आएगा, C12H22O11, ये हमारे पास में क्या आया, माल्टोज, ठीक है। जब हम इस माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, क्लियर है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो क्या आएगा, हमारा माल्टेज, कौन सा एंजाइम यूज होगा, माल्टेज एंजाइम यूज होगा, ठीक है ना। और वहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी C6H12O6, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो जब किसी भी कंपाउंड का आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एंजाइम यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उस एंजाइम के पीछे क्या लगा, उस कंपाउंड के नेम के पीछे क्या लगा देना है, एज लगा देना है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सुक्रोज की, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहां से हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज, क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज। तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम तो
तो वहां पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है सुक्रेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा? सुक्रेज एंजाइम यूज होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, ऐसे ही अगर आप एस्टर को लेके चलते हो, एस्टर के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो होगा एस्ट्रेज। क्या होगा? एस्ट्रेज एंजाइम यूज होगा। ठीक है, प्रोटीन का अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वहां से प्रोटोनेज एंजाइम यूज होता है। ठीक है ना, प्रोटोनेज, प्रोटेज, प्रोटेज एंजाइम किसके लिए यूज होगा? प्रोटीन्स के लिए यूज होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस टाइप से जो भी कंपाउंड का आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं उसके पीछे नॉर्मली क्या लग, कॉमनली क्या लगाया जाता है? एज लगाया जाता है, वहां से आपके एंजाइम का नाम निकल के आएगा। क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इन आईयूपीएसी सिस्टम, जब आप आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर नाम लिखते हो, इसमें कहता है कि नेमिंग ऑफ एंजाइम, एंजाइम डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दे आर यूज। इसमें क्या कह रहा है कि आईयूपीएसी सिस्टम के अगर अंदर अगर आप एंजाइम की नेमिंग करना चाहते हो, मतलब आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हो किसी भी एंजाइम का, तो जो नाम हो डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर। मतलब जिस रिएक्शन, जिस टाइप की रिएक्शन के अंदर वो एंजाइम यूज किए जा रहे हैं, उन टाइप, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या आता है? आईयूपीएसी नेम आता है एंजाइम्स का। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसके अंदर, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम इसके अंदर बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या कहता है कि इफ ऑक्सिड एंजाइम्स आर यूज्ड इन ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन, यानी जो आपका एंजाइम है अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एज वेल एज रिडक्शन, यानी जो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एंजाइम यूज होता है, तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। क्या बोला जाएगा? वो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोलेज एंजाइम जो होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम यूज किया जाता है हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस के लिए, यानी जो आपकी हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर जो एंजाइम यूज होगा उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलेज एंजाइम बोलेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है ना, इसके बाद में ये क्या कहता है कि इसी तरीके से अगर आप अलग अलग रिएक्शंस को यूज करते हो तो वहां पे अलग अलग अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या आएगा? आपके एंजाइम का नाम आएगा। क्लियर है सभी को? तो ये था हमारा नोमन क्लेचर ऑफ एंजाइम्स। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एंजाइम एंड अप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स की, यानी जो एंजाइम है वो किस किस से मिलके बना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, क्या होते हैं? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन इन विच ए नॉन प्रोटीन पार्ट पार्ट ऑल्सो अटैच, इन विच ए नॉन प्रोटीन पार्ट इज ऑल्सो अटैच्ड फॉर देयर एक्टिविटी इज कॉल्ड कोफैक्टर। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो आपके एंजाइम्स है ना, मेनली क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। कौन सा प्रोटीन रहेगा? ग्लोबुलर प्रोटीन। और इस ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, और वो पार्ट क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि एंजाइम क्या कर सके? कोई भी एक्टिविटी कर सके। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स के अंदर जो ग्लोबुलर प्रोटीन पार्ट होता है वो इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव। ठीक है, इसीलिए क्या कहता है कि जो प्रोटीन पार्ट के साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलेगा, वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है सभी एक्टिविटीज के लिए। ठीक
ठीक है, इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलेंगे, को फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को फैक्टर। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या कहता है कि जैसे आपका प्रोटीन हो गया, जो एंजाइम होता है उसके अंदर प्रोटीन प्लस को फैक्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट रहेगा, प्रोटीन प्लस को फैक्टर। इस कंप्लीट को हम बोलेंगे होलो एंजाइम। क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम, ठीक है ना। और यहां से जब आप को फैक्टर को अलग निकाल देते हो तो यहां पे आपके पास क्या मिलेगा, प्रोटीन पार्ट मिलेगा, प्रोटीन प्लस को फैक्टर। ठीक है, तो ये जो इनएक्टिव पार्ट है, जो प्रोटीन होता है वो आपको क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इसको बोला जाएगा एपो एंजाइम। क्या बोलेंगे इसको, एपो एंजाइम। ठीक है, और उसके साथ में ये आपका क्या लगा होता है, को फैक्टर लगा होता है। ये होती है कंपोजिशन किसी भी एंजाइम की, यानी जो आपका एंजाइम है उसकी कंपोजिशन के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो प्रोटीन पार्ट आएगा, एक नॉन प्रोटीन पार्ट आएगा। प्रोटीन पार्ट होता है वो इनएक्टिव होता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो एक्टिव होता है। कोई भी एंजाइम जितने भी एक्टिविटी करता है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्रोटीन पार्ट के, सॉरी नॉन प्रोटीन पार्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद कहता है जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, को फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ को फैक्टर की। क्या टाइप्स ऑफ को फैक्टर, या फिर बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ को फैक्टर, कंपोजिशन ऑफ को फैक्टर, यानी जो आपका को फैक्टर है इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ एटम, टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। जो आपका को फैक्टर होता है वो दो टाइप के सब्सटेंस कंटेन करता है। पहला हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक आयंस, क्या आएंगे, इनऑर्गेनिक आयंस। दूसरा जो हमारे पास आता है वो आते हैं ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। क्या रहेगा, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक आयंस की, तो इनऑर्गेनिक आयंस के अंदर हमारे पास हो सकता है Zn2+, Cu2+, Sc2+, Fe2+, MO2+ एक्सेट्रा, इस टाइप के जो आएंगे। इसके अंदर आप और भी लिख सकते हो Na+ और K+। ठीक है, ये हमारे सारे क्या रहेंगे, इनऑर्गेनिक आयन, जो आपके प्रोटीन पार्ट से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दूसरा जो आता है इसके अंदर कहता है ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स, यानी जो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है वो क्या हो सकता है, एक ऑर्गेनिक मोलिक्यूल हो सकता है। और इसके अंदर बोलता है कि इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, यानी जो आपके ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। पहला जो आपका आता है वो आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या आएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इसके अंदर दूसरा जो आपके पास में आता है वो आता है को एंजाइम्स। क्या आएंगे, को एंजाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की। प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर क्या कहता है कि दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, विच आर टाइटली हेल्ड विद प्रोटीन पार्ट विद स्ट्रोंग कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रोंग कोवेलेंट बॉन्ड एंड कैन बी सेपरेटेड आउट बाई ओनली केयरफुली हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रोटीन पार्ट के साथ में क्या होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं। मतलब
टाइटली जुड़े होते हैं, और किससे जुड़े होते हैं, स्ट्रोंग कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और इनको अगर आप सेपरेट करना चाहते हो प्रोटीन पार्ट से, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका केयरफुली हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, मतलब बहुत ध्यान से हाइड्रोलिसिस करेंगे तभी वो क्या हो सकते हैं, प्रोटीन पार्ट से अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड जो हमारे पास आता है वो आते हैं को एंजाइम। इसके अंदर बोलता है कि जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसमें देखना कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, इनको प्रिपेयर्ड किया जाता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम विटामिन्स, ठीक है। यानी जो मोस्ट ऑफ आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो कहां से बनते हैं, विटामिन सच एज बायोटिन, विटामिन होता है बायोटिन, इस विटामिन के थ्रू ही हम क्या करते हैं, इन प्रोस्थेटिक ग्रुप को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगली जो क्लास आती है वो आती है आपका को एंजाइम, क्या आएंगे, को एंजाइम्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें को एंजाइम्स की, तो इसके अंदर क्या कहता है कि को एंजाइम्स दीज आर स्मॉल मोलिक्यूल्स, क्या होते हैं, स्मॉल मोलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स, एक मोलिक्यूल्स विच आर लूजली हेल्ड बाई प्रोटीन एंड कैन बी सेपरेटेड आउट बाय डायलिसिस, ठीक है। यानी जो आपका को एंजाइम्स होते हैं, ये को एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक स्मॉल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन पार्ट से क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं। यानी जो आपका प्रोटीन पार्ट रहेगा उसके साथ में जो आपका को एंजाइम अगर जुड़ा हुआ है एज ए को फैक्टर, तो वो क्या रहेगा, लूजली बॉन्डेड रहेगा, और उसको इजिली हम डायलिसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, को एंजाइम बोलेंगे। क्लियर है सभी को। तो ये होती है कंपोजिशन किसकी, प्रोस्थेटिक ग्रुप की। दो टाइप की बताए हमने, सबसे पहला सॉरी ऑर्गेनिक मोलिक्यूल की कंपोजिशन थी, है प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है या फिर को एंजाइम्स हो सकते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये है आपका कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा प्रोटीन प्लस को फैक्टर, उसके बाद हमने पढ़े कंपोजिशन ऑफ फैक्टर। प्रोटीन के अंदर क्या आएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ को फैक्टर के अंदर दो टाइप के, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी दो टाइप के होते हैं, पहला आता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा आता है आपके को एंजाइम्स। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके बाद में आती है एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स, क्या आएंगी, एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स के अंदर क्या कहता है, सबसे पहले दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियर एंड वाइन बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका फर्मेंटेशन करवाया जाता है और वहां से वाइन और बियर की फॉर्मेशन की जाती है। तो इनमें हाँ, तो अगली जो एप्लीकेशन आती है वो आती है इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्वीट सिरप फ्रॉम कॉर्न स्टार्च। यानी जो आपके कॉर्न स्टार्च होता है उससे स्वीट सिरप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एंजाइम्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारे पास आता है वो होता है चीज फ्रॉम को एगुलेशन ऑफ मिल्क। यानी मिल्क होता है उसको को एगुलेट करने के लिए चीज बनाया जाता है, मतलब मिल्क को एगुलेट करके चीज बनाया जाता है। तो जब हम मिल्क का कोएगुलेशन, मतलब मिल्क को कोएगुलेट करते हैं ना, तो वहां पे हम किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट एंजाइम हम मिल्क को कोएगुलेट नहीं कर सकते, समझ में आ गया। तो इसीलिए चीज बनाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, एंजाइम्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स की, एंजाइम्स क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है, उनकी कंपोजिशन क्या होती है और एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।